सरकार ने 1934 में, अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने के बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार रिजर्व बैंक कुछ नोट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? उनको बोला जाएगा बैंक नोट। देखिएगा, ध्यान देना सारे लोग, इधर ध्यान दो मेरी बात की तरफ। बैंक नोट जारी करेगा। दो नोट होते हैं, एक करेंसी नोट, एक बैंक नोट। एक रुपए का नोट करेंसी नोट है। कौन सा नोट है? एक रुपए का नोट है। उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार। क्या लिखा होता है? ध्यान देना ध्यान से। एक रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है? भारत सरकार। और भारत सरकार के और क्या क्या नाम है? भारत सरकार के नाम है यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीन नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट नाम लिखा जाता था, जो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत, सल्तनत जो था ना, ब्रिटिश सरकार, उसको लिखा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो एक रुपए से बड़े नोट होते हैं उनको बोलते हैं बैंक नोट, और बैंक नोट छापता है रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक के नीचे, भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गए? भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं साहब जी, दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी हुकूमत है उसकी गारंटी है आपके इस 10 रुपए के नोट के ऊपर। जितना 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रखा है ना, वो रिजर्व बैंक के अंडर आता है, भारत सरकार के अंडर नहीं आता। और रिजर्व बैंक कर्मचारी और बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते, वो कंपनी के आदमी होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो जान लीजिए। और ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है कि वो सरकारी लोग नहीं होते। कल जब बैंक मैनेजर सुनील के साथ बदतमीजी कर रहा था तो वो बोल रहा था बार बार तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, तो पता नहीं क्यों वो लोग बोले ही नहीं, अरे तुम सरकारी कहां से हो गए, तुम सरकारी हो ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट बैंक है भाई साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है ये। अरे आपको पता ही नहीं कि प्राइवेट है? तो यह सरकारी काम में बाधा देने वाला कोई कानून वाला लागू नहीं होता है, क्योंकि वह सरकारी काम होता ही नहीं। ठीक, अब नंबर दो, ये तो पहली बात। अब बैंक के अंदर चल पड़ी कहानी कि भाई आपको कुछ धन रखना पड़ेगा, और धन जो है वो जब भी कितने नोट, जितने भी नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक, ये अपनी आरबीआई एक्ट की बात कर रहा हूं 1934 का जो बना, जिसके दम पर जितने भी बैंक है उतने बने हैं, वहां पर एक कानून बना कि जितने भी नोट बैंक जारी करेगा उतने ही नोट के बराबर का धन बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा, इसीलिए उसका नाम रिजर्व बैंक है, रिजर्व रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में उतना ही धन सुरक्षित रहेगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम है कि आपने एक डायलॉग तो सुना होगा ना उनसे कि भाई जितने नोट छापता उतने का सोना बैंक सरकार अपने पास रखती है, सरकार पे जितना सोना होता है उस हिसाब से नोट छापते हैं। ये लाइन तो सुनी होगी ना, ये लाइन का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ सोना होता है जो रखना पड़ता है जिसके बदले में नोट छपते हैं, और वो सोना कितना होता है अगर आप पेपर करेंसी एक्ट 1882 उठा के देखोगे तो उस पे लिखा होता है 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। ये नहीं लिखा होता, मैं बता रहा हूं पहले, ये नहीं लिखा होता जो मैं कह रहा हूं। असल में क्या लिखा होता है कि जो डिवैल्यूएशन जो पॉइंट था जो मैंने बताया था कि एक मोहर बराबर है 15 रुपए, जो लूट थी ना वो स्टैंडर्ड में लूट थी, एक मोहर बराबर 15, एक मोहर का मतलब एक तोड़े सोना, तो एक तोड़े सोना का मतलब है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, तो 11.664 को 15 से भाग दोगे तो आंसर आता है 777, यानी 777 मिलीग्राम सोना, यानी आपके एक रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। अगर 10 रुपए का नोट आरबीआई छापता है तो इसके बदले में 7.77 ग्राम सोना अपने पास सुरक्षित रखता है, यानी कि अगर 100 रुपए छापता है तो 8.75 ग्राम सोना, अब सॉरी 77.7 ग्राम सोना, यानी लगभग लगभग 8.75 तोला सोना अपने पास रखेगा, तब जाके अपने को 100 रुपए का नोट देगा। और इस 100 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नर ने साइन करके लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब जो भी आदमी इस नोट को लेके आएगा, इसका जो रुपया वहां रखा हुआ है, मैं वो रुपया देने के लिए बाध्य हूं। ये आरबीआई की धारा 26 में भी लिखा हुआ है। आरबीआई का सेक्शन 26 कहता है कि आरबीआई बाध्य है किसी भी धारक को उसके बराबर के अवमूल्य, उसके बराबर के मूल्य का धन देने के लिए, और धन मतलब सोना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बिना कुछ नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। जिसने भी
स्टैंडर्ड के साथ छेड़खानी करी है उसको आजीवन कारावास होगा, क्योंकि हम अपने पुरखों की परंपरा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। भाई आप सोचो, सरकार ये कह दे कि आपके इस नोट के बदले कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सोना नहीं है, इसकी कोई वैल्यू है क्या बताओ दो? तो अगर कोई इकोनॉमिस्ट या कोई सरकार का आदमी या कोई बैंक का आदमी कह देगा इसके बदले कोई सोना नहीं है, इसका मतलब सरकार जितना चाहे उतना छाप सकती है। अगर सरकार जितना चाहे उतना छाप सकती है तो मेरे से किस्त क्यों मांगती है? फिर छाप ले अपना है। अगर इसके बदले कुछ है ही नहीं है, अगर इसका कोई नियम ही नहीं है, अगर इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो मेरे से टैक्स क्यों मांगा जाता है? मेरे से इनकम टैक्स, मेरा जीएसटी, मेरा दुनिया जान के टैक्स, टोल टैक्स, मेरे को 24 घंटे बंदी बना के क्यों रखा जाता है? मेरे से जितना लेना चाहता उतना छान लो, मेरे को जीने दो। सही बात। और अगर कोई नियम है तो उस नियम के हिसाब से हमको पैसा मिलना चाहिए।